जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS हेडअप पर। आज मैं लेकर आया हूं इतिहास का नहीं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, भारत का परिचय। ठीक है, भारत के भूगोल का परिचय जिसको मैं हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले बताता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी है क्या, किसे कहते हैं, इसे सबसे पहले इसका नाम किसने दिया, फिर मेरा अपना प्यारा भारत देश का नाम कैसे पड़ा, इसके कितने नाम हैं, कहां से पड़े नाम, आखिर में हिंदुस्तान को हिंदुस्तान किसने कहा, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इंडिया को सबसे पहले इंडिया किसने कहा, आखिर में इंडिया वर्ल्ड आया कहां से, जम्बूद्वीप वर्ल्ड कहां से आया, आर्यवर्त भारत को क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज हम इंट्रोडक्शन की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो तैयार हैं आप लोग? आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट किया है मुझे, आप लोगों का दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद करता हूं ये भी क्लास आपको बहुत पसंद आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक कर देता हूं। यकीन माने एक क्लास को अपलोड करने में मुझे 3 से 4 बार मैं वीडियोस को बनाता हूं, उसको देखता हूं, समझता हूं, अगर उसमें कुछ कमियां होती मैं उसको डिलीट करता हूं, फिर अपलोड करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखें, मैं पहले बताता हूं, पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूल नहीं भूल जाओगे, तो ज्योग्राफी ऐसा पढ़ाऊंगा कि भूल ना भूल जाओगे। ये MTS, CGL, CHSL, ग्रुप डी, ग्रुप सी, रेलवे, ये तो बहुत छोटे पे, मैं कहता हूं PCS प्री तक के क्वेश्चंस को यहां मेरे साथ पढ़कर आप प्री PCS प्री तक आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। आपको बस ईमानदारी से मेरे साथ, मेरा सपोर्ट करके मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा, बस बस इतना ही। ठीक है, जो भी आप देखें मेरे हिस्ट्री जहां तक मैंने अभी तक पढ़ाया है, MTS का पेपर हो रहा है, SSC MTS का, यकीन माने हर सेट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर फंस रहे हैं, क्योंकि अभी मैं एशियन हिस्ट्री शुरू ही किया हूं, कुषाण वंश तक ही पढ़ाया हूं, इतना छोटे ही वक्त में मैंने इतना छोटी चीजें पढ़ाई, इतनी चीजें जितना मैं कंटेंट दे रहा, इतने में ही हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। 12 तारीख के मैंने तीसरे पार्ट में मैंने पेपर देखा, उसमें 2 क्वेश्चन फंसे थे, एक जैन धर्म का, एक बौद्ध धर्म का। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ें आज से, देखें आपको, आप ज्योग्राफी कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब तो आप सब समझते हैं, ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, ये सब जानते हैं, इसका मतलब हो गया भूगोल। आखिर भूगोल है क्या, ठीक है, ज्योग्राफी है क्या? तो देखिए, एक वर्ड है यहाँ पे, जियो और ग्राफी, ठीक है, जीईओ, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी। और ग्राफी को क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना, मतलब व्याख्या करना, ठीक है। तो यही चीज आगे देखिए, तो आप लोग समझ गए, ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, लेकिन जियो का मतलब अर्थ, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, का मतलब हिंदी होता है वर्णन करना, व्याख्या करना। देखिए, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, मतलब पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है, या पृथ्वी का वर्णन ही वर्णन ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। देखिए, अगर वीडियो बड़ी हो जाए तो परेशान मत होइएगा, पूरे चीज बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा, बहुत समझाता हुआ चलूंगा, ताकि आपको एक बार रिवीजन करें और आप दोबारा इसको भूले नहीं। देखिए, फिर जिस देश में हम रहते हैं, ठीक है, मैं, मेरा अपना प्यारा भारत, ठीक है, भारत देश में, तो इस इंडिया का नाम, ये जो वर्ड है इंडिया, इंडिया का नाम सबसे पहले कहां दिया, किसने दिया, इस बारे में हम जानेंगे। इंडिया, इंडिया याद रखें, यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम था, क्या दिया गया नाम था,
इंडिया नाम जो पड़ा भारत का वो क्या हुआ, यूनानियों के द्वारा दिया गया था। फिर एक इसका नाम है जम्बूद्वीप, इंडिया के एक नाम नाम और है आर्यावर्त, एक नाम और है भारत और एक नाम और है हिंदुस्तान। ठीक है, तो पूरे मिला के ये हिंदुस्तान का पूरा नाम क्या है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, मतलब पूरे 5 नाम है भारत के। ठीक है, तो मैंने बताया इंडिया वर्ल्ड यूनानियों के द्वारा दिया गया था, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, इंडिया को आर्यावर्त भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उत्तर भारत में बसने वाले, कहां पे, उत्तर भारत में, देखो भारत नक्शा है, मैं अभी आपको मैप दिखाऊंगा इसके बाद तो आप समझ में आ जाएगा कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत मतलब ये जो कश्मीर का एरिया है ये, ठीक है, ये तो यहां से जब आर्य आए थे, एंट्री किए थे भारत में, तो यहां पे आर्य आके बस गए। ठीक है, तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर मेरे प्यारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ गया। ठीक है, आगे कि भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत देश में ही आर्यों की शक्तिशाली राजा, इन आर्यों के शक्तिशाली राजा का नाम भरत था, भरत। ठीक है, ये क्या नाम है, भरत। ये देखिए, राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इंडिया के एक नाम और है जिसे हम लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा, मतलब पारसियों के द्वारा दिया गया था। ईरानी जब भारत आ रहे थे तो आने का रास्ता क्या है, उत्तर दिशा, मतलब या तो लद्दाख कश्मीर, ठीक है, यहीं से आप आ सकते हैं, और कहीं से आपका रास्ता नहीं है भारत में आने का। तो ईरानी जब हिंदुस्तान जब पहुंचते हैं तो सिंधु नदी के से उनका मुलाकात होती है। सिंधु नदी के पास जब पहुंचते हैं तो सिंधु नदी को ये लोग हिंदू 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 चिल्लाने लगे, तो जहां से इसका नाम, भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भारत का नाम जम्बूद्वीप पड़ता है। जम्बूद्वीप का जो साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ जो मिलता है, वो हमें पुराणों के द्वारा जम्बूद्वीप नाम पड़ा, किसका, भारत का। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कोई ये कहता है, ये समझाता है कि 14 घंटा 18 घंटा 20 घंटा पढ़ोगे तभी आपको पीसीएस क्वालिफाइड होगी, यूपीएससी क्वालिफाइड करोगे, एसएससी क्वालिफाइड करोगे, सीजीएल क्वालिफाइड करोगे, रेलवे क्वालिफाइड करोगे, आरओ एआरओ क्वालिफाइड कर सकते हो 14 घंटा 18 घंटा पढ़ के, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल गलत है भाई। पढ़ाई है, ये स्टडी है, कोई बोझ नहीं है कि हिमालय पर्वत लेके चलोगे आप। तो यकीन मानो आपको 14 घंटा 18 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, जितनी देर आप पढ़ सकते हो उतनी देर ही पढ़ो, नहीं मन लग रहा है तो लेटो सो जाओ, लेकिन फालतू घूमने से बेहतर है कि आप लेट के सो जाओ। ठीक है, सोने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड करो कि हमने क्या पढ़ा है, ये चीजें। 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, एंटरटेनमेंट करके पढ़ो, एक मोहब्बत करो। ठीक है, किसी से जब आपको प्यार होता है तो क्या उसको टेंशन लिए रहते हो, आपको बोझ लगता है वो, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत एंटरटेनमेंट करते हो ना, आपस में लड़ाई भी तो होती होगी, तो यही पढ़ाई है। पढ़ाई से प्यार करो, लगाव करते, एक कहावत है ना कि दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ है दोस्त, बेवफा भी निकलेगी तो काबिल बना के छोड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन मसले क्या हो गए हमारे और आपके अंदर, हम लोग दिल किताबों से नहीं लगा रहे हैं, लड़कियां लड़कों से लगा रही हैं और लड़के लड़कियों से लगा रही। ठीक है, तो लड़कियां लड़कों से, लड़के लड़कियों से लगा रहे, तो यही हो गया मसले गलत। और लगा भी ऐसे रहे हो कि सेकंड पर्सन को पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर लड़का पढ़ा लिखा पढ़ लिख रहा है तो लड़की पढ़ी लिखी नहीं मिल रही है, और लड़की अगर पढ़ लिख रही है तो लड़का लफंगा मिल जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पढ़ाई है, इंटरटेनमेंट करो, एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, मुस्कुराते हुए पढ़ो, स्माइल करते हुए पढ़ो, दोस्त बनाओ। ठीक है, दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, किताबों से करो, जो आपके आपके मंजिल तक ले जाएगी। और एक बात और,
आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लें। अगर आप लोग को लगता है कि पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी ही पाना है, नौकर ही बनना है, तो पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होती, पढ़ाई का मतलब होता है चार समाज में खड़े होकर एक अपने अंदर एक एटीट्यूड हो कि आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। ठीक है, यह सक्सेस नहीं है कि आपने पढ़ाई की 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप सक्सेस हो, आप सिलेक्ट हो गए कहीं, SSC में सिलेक्ट हो गए, CGL में सिलेक्ट हो गए, PCS में सिलेक्ट हो गए, UPSC में सिलेक्ट हो गए, पला जहां सिलेक्ट हो गए। नहीं, अगर सिलेक्ट होना है तो UPSC में सिलेक्ट हो, सिलेक्ट होना है तो PCS क्वालिफाइड करो। अगर उससे नीचे किसी पोस्ट पे अगर आप जाते हो तो वो आपका कोई मतलब नहीं है, इसको सक्सेस नहीं कहते। When your signature changed to autograph, ये APJ अब्दुल कलाम साहब की बात है। पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है मेरे भाई, पढ़ाई का मतलब होता है सक्सेस। जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए, समझ लेना आप सक्सेस हो गए हो। ठीक है, मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो तो उसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं अच्छी लग रही तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, प्लीज माइंड मत करें। ठीक है, और आगे पढ़ाई करते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ आपको अच्छी अच्छी बातें बता दूं ताकि आप, मैंने लाइफ में देखिए हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, हमसे भी कोई ना कोई गलती हुई होगी। ठीक है, लेकिन बस इतना बताऊंगा, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है समाज में खड़ा होना, बातें करना। ठीक है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओ जहां पे आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए। ठीक है, आगे देखें, एक कुछ पॉइंट है, 4 पॉइंट है, पहले इसको हम नोट करेंगे उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग, इसका ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरेटोस्थनीज, किसने, एरेटोस्थनीज ने किया था, ये याद रखें। दूसरी चीज देखें, आधुनिक भारत का भूगोल, आधुनिक भूगोल का जनक मतलब पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। अगर क्वेश्चन बने कि जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आंसर आपका होगा एरेटोस्थनीज ने। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। फिर आगे देखें, मानव भूगोल का जनक, फादर तो फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। ठीक है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। आगे देखें कि भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, तो ये किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो अलबरूनी की कृति, सुप्रसिद्ध कृति है। ठीक है, भारत का भूगोल किताबुल हिंद। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं किनारे हट जा रहा हूं। तो अब हम लोग देखेंगे ग्लोब के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले इसको पता चलना चाहिए ना कि कौन सी डिग्री किस अक्षांश पे है, फिर भूमध्य रेखा जो कितने डिग्री पे है, वृहत वृत्त की लंबाई कितनी है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, हम ये सब चीज को अभी देखते हैं, इसके बाद हम एक एक के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए उसके लिए। देखिए, ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने, 2 पार्ट्स में। जैसे देखो ये है ग्लोब, 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, चलिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, इसको यहां से आधे पार्ट्स को ऊपर हटा दे, आधे पार्ट्स को नीचे कर दे, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक पिक्चर बनाई है, आधे आधे पार्ट्स को मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या है, एक क्षैतिज रेखा है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, मतलब लैटिट्यूडिनल लाइन जिसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, देखो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल, लैटिस मतलब लेटा हुआ
और लॉन्गी मतलब खड़ा खड़ा, ठीक है। अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में पूरी क्लियर बात होगी, अभी जितना बता रहे हैं उतना समझे। तो क्षैतिज रेखा जिसको होरिजेंटल लाइन कहा जाता है, इसी में अक्षांश रेखा आता है जिसको लैटिट्यूडनल लाइन मतलब अक्षांश रेखा कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको वेरिटिकल लाइन कहा जाता है, और लैंगिट्यूडिनल लाइन मतलब देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। आगे देखें, इस ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री मतलब सॉरी 90 डिग्री पे है, और दक्षिणी अक्षांश भी 90 डिग्री पर है, ठीक है। इधर पश्चिम और इधर पूरब। अब देखिए पूरब में भूमध्य रेखा को, ये भूमध्य रेखा को, ठीक है, भूमध्य भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर, इन सभी नाम से भी जाने जानते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि भूमध्य रेखा को, ठीक है, किसको? भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा, इक्वेटर, इन सभी नाम से भी जानते हैं। ये चीज आप लोग नोट कर लें और याद रखें। देखें फिर वृहत रेखा क्या है? वृहत रेखा ये जो है, ठीक है, ये आर्स, वृहत रेखा की लंबाई जो है, लंबाई मतलब ग्रेट सर्कल, ठीक है, वो कितना है? 4,0076 किलोमीटर है, ठीक है। और दक्षिणी अक्षांश कितना है? 90 डिग्री पे। उत्तरी अक्षांश कितना है? 90 डिग्री पर। इधर पूर्व और इधर पश्चिम, इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे आगे, जब हम ये चीज पूरी बात कर लेंगे उसके बाद जो चीज करें बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आप बिल्कुल ना परेशान हो। फिर एक चीज नोट करके आप लोग लिखेंगे कि 90 डिग्री उत्तरी, हमने क्या बताया, 90 डिग्री उत्तरी ये जो उत्तर पे है, वह दक्षिणी मतलब 90 डिग्री दक्षिण में भी, ठीक है, दक्षिणी रेखा को छोड़कर मतलब इसको और इसको, इन दोनों को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश मतलब हर एक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होता है। सारी बातें आगे क्लियर हो जाएगी। नोट में हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश, ठीक है, प्रत्येक अक्षांश जो है रेखा एक संपूर्ण वृत्त होता है। वृत्त मतलब क्या? वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है, क्या होता है? वृहत वृत्त की लंबाई कितनी है? तो 4,0076, तो संपूर्ण वृत्त होता है। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको बात क्लियर हो गई है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लोब का फर्स्ट पार्ट जिसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, मतलब लैटिट्यूडनल लाइन। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई, ठीक है। अगर इसी रेखा पर अगर हम एक लाइन ऐसे बना दें तो क्या होगा? ये लॉन्गिट्यूड हो गया और ये लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड और ये क्या हो गया? लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि ग्लोब क्या है। ग्लोब टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, उसी में एक पार्ट्स का नाम था अक्षांश रेखा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में अक्षांश रेखा कहते किसको है, कहां पर है, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, सारी चीज हम यहां पे क्लियर करते चलेंगे। चलिए देखें अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व तक, कहां पर? पश्चिम से पूर्व, जैसे हमने बताया था ना कि आपको ग्लोब है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। तो कहां पर? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा
अक्षांश रेखा कहलाती है। तो पश्चिम से पूर्व तक, ठीक है, समान, याद रखें, समान अक्षांशी रेखा वाले स्थानों को आपस में जब ये मिलाती है, मिलाने वाली रेखा ही हमें अक्षांश रेखा कहलाती है, कही जाती है या कहलाती है। आगे देखें, तथा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, ठीक है, ध्रुवों की तरफ ले जाने पर अक्षांश रेखा घटती हुई, तो जो अक्षांश रेखा है ना, ये जब ध्रुवों की तरफ ले जाती है विषुवत रेखा से, तो ये घटती हुई प्रतीत होती है, मतलब मालूम होती है कि ऐसे ये घट रही है। ठीक है, तो कैसे प्रतीत होती है, तो घटती हुई प्रतीत होती है, मतलब मालूम होती है। देखो, तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, इसे मान लो एग्जांपल, एक ये है एक ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, ठीक है, वो उसे कटिबंध जोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है ये, कटिबंध जोन कहलाता है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कटिबंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहते हैं। चलिए देखें, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाएं, ठीक है, कौन सी यहां पे थी, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हमने बताया था आपको पहले कहां से है, ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर इस सारी उत्तरी अक्षांश रेखा इनको कही जाती है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऐसे ऐसे जितनी भी पार्ट्स ऊपर की चीजें हैं ये सारी हमारी उत्तरी अक्षांश कहलाती है, और ये हमारे दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, तथा दक्षिण के सभी अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये क्या था हमारा, दक्षिण था, तो मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ में जो भी रेखाएं थी वो हमारी उत्तरी अक्षांश कहलाई, ठीक है, और जो हमारी साउथ मतलब दक्षिण में जो रेखाएं हैं वो हमारी दक्षिणी रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 मतलब 181 है। ठीक है, अब वृत्त कैसे पता चलेगा, तो याद रखें 181 आप याद रखें, और 181 में आप हमें 2 को माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा इक्वल टू 79। ये आपके कुल वृत्त है। ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, 181 मतलब 181 अक्षांश रेखा है, संख्या है 181 माइनस 2 इक्वल टू 179 मतलब 189। ठीक है, सॉरी 189 कुल वृत्त है, और 181 माइनस 2 इक्वल टू 189 मतलब 179 की कुल अक्षांश रेखाएं भी हैं। ठीक है, इतनी ही कुल अक्षांशी रेखाएं भी है, इतनी ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई। एक छोटी चीज और देख लें कि पृथ्वी के बीचों बीच, ये जो पृथ्वी है हमारा ग्लोब, जो हमारे ना ग्लोब है, ग्लोब, इसके बीचों बीच मैंने क्या कही कर दिया था, एक पार्टीशन बताया था मैंने आपको, तो बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, मतलब ये रेखा जो खींची गई है, ठीक है, इसको भूमध्य रेखा खींची जाती है। क्या कहते हैं, भूमध्य मतलब इक्वल बीच वाली, ठीक है, बीच वाला मतलब मिडिल, मान लो ये उंगली है इसका बीच ये है, ये मार्कर है इसका बीच ये है, ठीक है, इसकी बीच जो रेखा खींची गई है हमारे ग्लोब में, मेरे पृथ्वी पर जो रेखा खींची गई है, उस पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा खींची जाती है, जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा खींची जाती है।
तथा अक्षांश रेखा में सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा ही होती है। क्यों? अब ये चीज आप जान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, मैंने एक बनाया ये ग्लोब, ठीक है, एक पार्टीशन मैंने ये कर दिया, ठीक है, देखें, और हमने एक पार्टीशन ये कर दिया। ये पृथ्वी क्या हो गई मेरी, ग्लोब क्या हुआ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। लेकिन ये बताइए, ये बीच में है तो इसकी मानी हुई बात है भाई, इन दोनों इसकी लंबाई जो है सबसे लंबी होगी, जो बताया है ना आपको, तथा अक्षांश रेखा में सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब बीच की रेखा होती है। जब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अब जो भी रेखा यहां खींची जाएगी, चाहे एक सेंटीमीटर ही कम हो, लेकिन होगी कम, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी किसी भी गोले में ले लें तो बीच से जब काटेंगे उसकी लंबाई हमेशा बड़ी होती है, और जब नीचे या ऊपर आप जाएंगे, अगर ऊपर भी जाएंगे तो सेंटीमीटर या इंच में या किलोमीटर में आपको यहाँ पे इस रेखा करते 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 यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे छोटी रेखा बन जाती, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी रेखा, फिर बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, ऐसे नीचे आएगी, बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर करते करते सबसे छोटी। इसीलिए यहाँ पे 0 डिग्री माना गया है, मतलब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे भी 0 डिग्री माना गया, मतलब 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ये माना गया। और जिसकी लंबाई 40,076 मतलब 40,076 किलोमीटर है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और जल्दी इसको नोट तक भी कर लें आप लोग, और ख्याल रखें इसको रिवीजन भी कर लें। आज की क्लास लिए मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम मैं आपको देशांतर रेखा के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको हम लैंगिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियर होती जाए, हर एक चीज आपको समझ में आए। बहुत ज्यादा कंटेंट देकर आपके पास बर्डन नहीं कर सक डाल सकता, क्योंकि मैंने पहले आपसे ये कहा था कि पढ़ाई को इंटरटेनमेंट, प्यार मोहब्बत के साथ उसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम बर्डन करके बहुत हिमालय पर्वत को उठाते हुए चले, बहुत बोझा नहीं। 8 घंटा 9 घंटा जितना सो सको सो यार, 4 घंटा 6 घंटा जितना पढ़ सको पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो तो बहुत कंसंट्रेशन मन लगा के पढ़ो, उसमें किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपकी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करें, और मिलते हैं आपको नए उमंग नए जोश के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आप। जय हिंद।